फाइनली गाइस सर PUBG Mobile न्यू स्टेट के डेवलपर्स ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है PUBG Mobile न्यू स्टेट के रिलीज डेट के बारे में। एंड गाइस सर 11:30 बजे उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया, 11:30 बजे ट्वीट करके उन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि भाई वी आर हार्ड एट वर्क डेवलपिंग द गेम बट वी हियर यू आउटसाइड ऑफ 2021 वी डोंट हैव मोर डिटेल्स अराउंड रिलीज डेट बट वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट वी विल होस्ट अल्फा टेस्ट फॉर PUBG Mobile न्यू स्टेट ड्यूरिंग Q2 2021 इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ रीजन स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फो। बेसिकली यार काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ड्यूरिंग Q2 उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो बेसिकली यार लाइक Q2 का मतलब एक क्वार्टर पीरियड होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है Q1 क्या होता है। Q1 होता है गाइस जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च, Q2 आप लोगों के लिए यहाँ पे होता है अप्रैल मई जून, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने बता दिया कि भाई 90 डेज के अंदर दोस्तों यहाँ पे कुछ रीजंस को यहाँ पे बेसिकली PUBG Mobile न्यू स्टेट का एक अल्फा टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। अल्फा टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बेसिकली उनको यहाँ पे गेम खेलने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है 90 डेज के अंदर दोस्तों हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे गेम प्ले देखने को मिलने वाले हैं, बिकॉज किसी भी रीजन को गेम खेलने को मिले ऑब्वियसली बात है वो 100% यहाँ पे यूट्यूब पे तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लस गाइस यार आप लोगों को जो गेम है इंडिया के अंदर भी देखने को मिलने वाला है, वो क्यों मिलने वाला है उसके लिए प्लीज मेक श्योर थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिएगा, आपके लिए जो वीडियो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भाइयों का आप ही के अपने छोटे से यूट्यूब चैनल गेमिंग एरिया के अंदर। तो गाइस आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे PUBG Mobile न्यू स्टेट के बारे में। जी हां दोस्तों, इंडिया के लिए पर्सनली यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है PUBG Mobile न्यू स्टेट की तरफ से। जी हां दोस्तों, आप सभी लोगों ने ऑलरेडी यहाँ PUBG Mobile न्यू स्टेट का नाम तो ऑलरेडी यहाँ पे सुन रखा होगा। एंड ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने यहाँ पे ये भी सुन रखा होगा जब तक हमारा PUBG Mobile इंडिया हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिलता तब तक हमारा PUBG Mobile न्यू स्टेट भी हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस यार यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है प्लान में, थोड़ा यहाँ पे चेंज हो रहा है PUBG Mobile न्यू स्टेट के यहाँ पे, बिकॉज यार अभी ऐसा सीन यहाँ पे मार्केट में निकल कर आ रहा है कि जो PUBG Mobile न्यू स्टेट कंपनी है वो यहाँ पे लाइक बेसिकली क्राफ्टन कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे PUBG Mobile न्यू स्टेट का जो कैंपेन है यहाँ पे लाइक जैसे कि आप लोगों को पता है कैंपेन मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है अगर आप लोग कोई भी नया गेम बनाते हो या फिर अपनी खुद की यूट्यूब वीडियो को आप चाहो तो यहाँ पे प्रमोट करा सकते हो इस कैंपेन के थ्रू, ठीक है। कैंपेन मतलब यार यहाँ पे ये होता है कि जब आप लाइक किसी भी यूट्यूब की वीडियो को ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद दोस्तों वहाँ पे एक आपको एड देखने को मिलती है किसी भी ट्रेलर की या फिर किसी भी वीडियो की, तो उसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे कैंपेन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग नहीं जैसे कि आप लोग किसी भी वीडियो बड़े यूट्यूबर हो गया फिर कोई भी यूट्यूबर हो गया अगर आप उसकी वीडियो को ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद बेसिकली क्या होता है ना कि यार आप लोग के सामने एड आती है, ठीक है। तो एड आने के बाद एड आने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो एड आ रही है तो वो कुछ लोगों ने यहाँ पे जो कैंपेन है यहाँ पे वो चलाए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली यार यहाँ पे सीन यही हो रहा है कि जो PUBG Mobile न्यू स्टेट यानी दोस्तों क्राफ्टन कंपनी है उन्होंने यहाँ पे इंडिया के अंदर यहाँ पे कैंपेन चलाए हैं PUBG Mobile न्यू स्टेट के। ऑब्वियसली बात है यार हम लोगों को तो यहाँ पे ये बताता है कि PUBG Mobile न्यू स्टेट जो है इंडिया के अंदर तो देखने को मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आप लोगों को पता है PUBG Mobile न्यू स्टेट का एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो भी हम लोग यहाँ पे नहीं करते, बिकॉज आप लोगों को पता है इंडिया चाइना एंड ऑब्वियसली बात है एक और कंट्री यहाँ पे थी जिनको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया था प्री रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। तो यार ऑब्वियसली बात है अगर इतना कुछ हो रहा है तो फिर हमारे जो एड कैंपेन है वो इंडिया के अंदर यहाँ पे क्यों चलाए जा रहे हैं, तो वो सोचने वाली बात है कि नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में तो हम लोग को यहाँ पे गेम देखने को मिल ही नहीं रहा फिर भी हमारे यहाँ पे गेम जो है हमारा जो है इंडिया के अंदर कैंपेन जो यहाँ पे चलाया जा रहा है। ऑब्वियसली बात है गाइस इंडिया के अंदर यहाँ पे PUBG Mobile न्यू स्टेट को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो गाइस यार सीन यहाँ पे यही हो रहा है कि बताऊँ अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यार सीन यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे PUBG Mobile न्यू स्टेट का यहाँ पे कैंपेन चलाना इंडिया के अंदर, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है क्राफ्टन कंपनी का यहाँ पे 25% जो यहाँ पे शेयर है आई थिंक Tencent के पास है ना, लाइक बेसिकली सीन ये है कि जो क्राफ्टन कंपनी है उनके पास यहाँ पे 25% शेयर है Tencent कंपनी का, तो कोई भी प्रॉफिट होता है क्राफ्टन कंपनी को 25% प्रॉफिट होता है यहाँ पे Tencent कंपनी को, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है अभी PUBG Mobile इंडिया जो हमारे यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, ठीक है। तो अप्रूव होने का मतलब यहाँ पे यही होता है कि जो भी गवर्नमेंट को यहाँ पे आप कोई Tencent से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Tencent की जो 25% शेयर है उनसे यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए PUBG Mobile इंडिया के अंदर यहाँ पे जो 25% ऑब्वियसली बात है क्राफ्टन कंपनी ने बनाया PUBG Mobile इंडिया को, जब वहां पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमारे इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे PUBG Mobile के 25% शेयर जो Tencent के पास है उससे, तो ऑब्वियसली बात है गाइस जो हमारा PUBG Mobile न्यू स्टेट है उसको तो कंप्लीट तरीके से क्राफ्टन ने बनाया है, ठीक है। अगर PUBG Mobile इंडिया के अंदर जो 25% शेयर है वहां पे कोई दिक्कत नहीं आ रही तो ऑब्वियसली बात है जो क्राफ्टन कंपनी ने PUBG Mobile न्यू स्टेट बनाया है वहां पे भी 25% शेयर होंगे। अगर PUBG इंडिया में कोई दिक्कत नहीं आ रही तो ऑब्वियसली बात है गाइस PUBG Mobile जो न्यू स्टेट है उसके अंदर भी दोस्तों हम लोग को यहाँ पे कोई भी दिक्कत जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइस मेरे को यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि देखो आप लोगों को पता है PUBG Mobile का जो हमारा PUBG Mobile इंडिया है वो हम लोग को यहाँ पे एटलीस्ट एक दो मंथ के अंदर 100% यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगा। तो गाइस मेरे को भी यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि PUBG Mobile इंडिया के बाद शायद PUBG Mobile न्यू स्टेट भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाए, बिकॉज यार सारे के सारे इशारे जो हम लोग को यहाँ पे यही बताते हैं कि हमारा PUBG Mobile का न्यू स्टेट वर्जन जो है हम लोग को यहाँ पे बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, बिकॉज इससे पहले गाइस मैंने कभी भी यहाँ पे PUBG Mobile न्यू स्टेट के जो एड कैंपेन है बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देखा था, ठीक है। आप लोगों ने देखा था कि नहीं, आप लोग उसके बारे में मेरे को कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड ऑब्वियसली बात है यार हम सभी लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम लोग को यहाँ पे दो दो गेम जो है दो दो नए गेम जो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले। तो गाइस आप लोग इन दोनों में से कौन से गेम के लिए ज़रा एक्साइटेड हो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। सो या गाइस दैट्स इट, होपफुली गाइस
सर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑब्वियसली बात है हम लोगों के लिए काफी अच्छी खुशखबरी है कि पबजी मोबाइल न्यू शेड कैंपेन जो हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पे चला जा रहा है। तो इन सभी के ऊपर आप लोगों क्या ओपिनियन होगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस सर चलिए मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।